हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रुचि और ये मेरा चैनल है रुचिस क्रिएशन। तो आज मेरे पास आपको ये फैब्रिक दिख रहा है, 2 मीटर फैब्रिक है मेरे पास। ये कुर्ती का कपड़ा है, तो देखिए ये सिंपल प्रिंट वाला कुर्ती का कपड़ा है। इसमें मैं आपको स्ट्रेट फिट में कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही ईजी वे में सिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल स्टिचिंग नहीं करती हूँ। तो मैं DIY टाइप से आपको बताऊँगी जो हम अपने लिए खुद सिल सकते हैं। तो फॉलो कीजिए मुझे इस वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही DIY स्टिचिंग से रिलेटेड, घर के होम डेकोर से रिलेटेड अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरे वीडियोस को देखिए, पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फैब्रिक है, ये देखिए, आपको ये फैब्रिक पूरा 2 मीटर है। तो पहले आपने इसको ऊपर से नीचे एक फोल्ड करना है, देन अगेन एक और फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये 4 लेयर में कपड़ा बन जाएगा। देखिए, 1 लेयर, 2 लेयर और ये 4 लेयर में, 4 लेयर में कपड़ा बन जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, मैंने ये 4 फोल्ड कर दिए हैं। तो जो फोल्ड वाली जो क्लोज साइड होती है, वहाँ से हमें सारी मेजरमेंट लगानी है। मतलब नेक हमें वहीं से लेना है, सब कुछ हमें वहीं से करना है। तो सबसे पहले जो लेंगे हम, वो कुर्ती की लंबाई ले लेंगे। तो मेरी लंबाई है 36, रेडी मुझे चाहिए कुर्ती। और तो ये पूरा कपड़ा जो है ऊपर से नीचे, इसमें मेरे को लंबाई कट नहीं करनी पड़ी, 38 ही है। तो मुझे फोल्ड करने के बाद, मार्जिन्स वगैरह के बाद, ये 36 अराउंड आ जाएगी। तो देखिए, ये जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हमें नेक वगैरह लेना है। तो देखिए, ये ओपन साइड है और वो फोल्ड साइड है, ये देखिए, वहाँ से हमें लेना है। एक साथ ये 2 पल्ले हमारे रेडी होंगे, 2 पल्लों की कटिंग हमारी एक साथ होनी है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं तीरा जो आपका शोल्डर होता है, क्योंकि ये कट स्लीव मैं बनाना चाह रही हूँ, स्ट्रैपी टाइप कुर्ती बना रही हूँ, तो तीरा हमें कम ही लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा फुल कवर नहीं करना है। तो मैं 6 ले रही हूँ, 6 मैंने तीरे पे मार्क लगाया है। अब मैं ये आर्म होल का मार्क भी 6 ही लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कट स्लीव है। फिर ये देखिए, चेस्ट का माप है, चेस्ट का माप हमें, आपको पता ही है, जितना चेस्ट होता है उसको डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। तो मेरा 8 है, तो 8 पे 2 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये मार्जिन कभी दबाने खोलने के काम आता है इसीलिए। तो देखिए, ऐसे इसको जोड़ लेंगे पूरा। अब ऊपर से नीचे आर्म होल को जोड़ेंगे, ऐसे जहाँ पे चेस्ट का माप लगाया है वहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए, अब हमें लेनी है कमर। तो कमर के लिए स्टैंडर्ड माप होती है 15 इंचेस पे, 15 इंचेस ही स्टैंडर्ड होती है, ज़्यादातर 15 इंच पे ही लगाई जाती है। तो मैं भी वही कर रही हूँ, 28 मेरी कमर है, सेम 28 डिवाइडेड बाय 4 यानी 7 इंचेस प्लस 2 इंचेस एक्स्ट्रा फॉर मार्जिन, वो मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए लगा लिया। अब ऐसे ही, अब हिप पे लेना है, मैं थोड़ा ऊपर से कट चाहती हूँ। वैसे स्टैंडर्ड साइज़ होता है 21 पे, हमें हिप की मेजरमेंट करनी होती है, तो मैं 20 पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर से कट चाहिए। मतलब चाक मेरी स्टार्ट थोड़ी ऊपर से होंगी और हिप का वही सेम 34 है मेरा, तो डिवाइडेड बाय 4 यानी 8.25 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा फॉर मार्जिन। तो ये, अब इन सारी माप को हमें मिला देनी है। पहले जो मेन है हमारी अंदर वाली, वो जोड़ेंगे। तो पहले अंदर की माप यानी ये 8 इंच पे, फिर 7 इंच पे, फिर 8.5 इंच पे, इनको मिला लेंगे, फिर बाहर का मिला लेंगे। ऐसे करके हिप तक का हमको मिला लेना है। साथ में मैं स्क्रीन में जो मैंने मेजरमेंट्स लिए हैं वो मैं फ्लैश भी करूँगी। आप लोग अपने मेजरमेंट के हिसाब से ही आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए, क्योंकि मैं ये स्ट्रेट फिट कुर्ती बना रही हूँ, तो मैं नीचे से भी उतना ही लूँगी जितना मैंने हिप में लिया, या उससे 1 इंच बस थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। तो मैं फ़िलहाल उतना ही ले रही हूँ और अब इसे नीचे तक मिला लेंगे ऐसे, क्योंकि नीचे से फ्लेयर प्लाजो मैंने बनाया है ना, तो उसके साथ एक कुर्ती में कम नीचे अगर घेर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप ज़्यादा घेर वाली बनाइए, बट ये स्ट्रेट फिट कुर्ती का ही मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, कटिंग आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ऐसे करके मिला लेंगे और 1 इंच लगभग या 1.5 इंच लगभग मोड़ने के लिए जो हमारी चाहिए होती है चाक में, तो फिर वो मैं ले रही हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा, इसको भी ऐसे मिला लेंगे। मैं आइडिया से कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसे नाप के भी कर सकते हैं 1.5 इंच करके, मैंने आइडिया से कर दिया है।
तो देखिए अब ऊपर हमें आर्म होल की मेजरमेंट करनी है, आर्म होल की गोलाई देनी है। तो सबसे पहले ऊपर 1.5 इंच पे लेंगे, 1.5 इंच पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये स्लीव कट स्लीव है, स्लीवलेस है, तो ज़्यादा अंदर की तरफ ना जाए तो वो बुरा लगता है ऐसे। अब दूसरा जो माप है आगे का, वो थोड़ा सा नीचे आधा इंच नीचे लेकर के ऐसे करके गोलाई दे देंगे। देखिए ये हमारी आर्म होल रेडी हो गई है। अब देखिए नेक हमें करना है, तो नेक के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमें शोल्डर कितने चाहिए। तो मुझे स्ट्रैपी टाइप कुर्ता चाहिए, तो मैं शोल्डर सिर्फ 2 इंचेस का रख रही हूँ, मतलब वो कट वट करके जो भी है 2 इंच या 1.5 जो भी आएगा मुझे उतना ही चाहिए। फिर मैंने ये लिया पहले आगे का गला, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, मैंने यहाँ पे 6 रखी है, शायद 6 में गोल गला ही बनाऊँगी आगे से, हो सकेगा तो बटन वगैरह कुछ लगाऊँगी। तो देखिए मैंने ये 2 इंच वोली शोल्डर लिए हैं, ये 2 इंच शोल्डर है, और इसी पे मैंने दोनों की फ्रंट साइड और बैक साइड कुर्ती की माप इसी में कर दी है। पर जब हम कटिंग करेंगे तो पहले हमें बैक साइड, मतलब जो हमने बाहर की तरफ सारी मेजरमेंट दी है, उन्हीं को कट करना है। तो देखिए ये मैंने नीचे का गला बनाया है, आगे का गला बड़ा और पीछे का छोटा। गले की बस लंबाई में फ़र्क आना है, शोल्डर से फ़र्क नहीं आना चाहिए गले में, जो हमारा चौड़ाई है गले की वो सेम रहनी चाहिए आगे और पीछे के पल्ले में, नहीं तो बहुत बुरा मतलब हमें जॉइन करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये हो गया, अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग भी मैंने आपको जैसे बताया कि बाहर की पहले कटिंग करनी है, यानी हम पीछे के पल्ले की पहले कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं पीछे के गले से स्टार्ट कर रही हूँ, ये देखिए ऐसे इस टाइप से हमें पहले पीछे का ही कटिंग करनी है। ये आर्म होल भी जो बाहर की तरफ है उसी को कट करना है, अंदर का कर देंगे तो फिर हम बाहर का कैसे कर पाएंगे, इसीलिए बाहर का पहले करना है। देखिए मैं इसका स्टिचिंग का बहुत इजी मेथड आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बहुत ही सुंदर कुर्ती बन के रेडी होने वाली है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए ये मैंने काट दिया है, अब देखिए हमें क्या करना है। ये तो अभी पीछे की कुर्ती रेडी हो गई, अब अंदर से पार्ट को अलग कर लेंगे, एक कुर्ती को हम अलग कर लेंगे। देखिए ये वाली ये हटा लेते हैं। अब ये जो कुर्ती है जो हमने बाहर की माप दी है आगे के फ्रंट पैनल की, फ्रंट कुर्ती की, वो हम कट कर लेते हैं। देखिए पहले बराबर कर लेंगे कपड़े को, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब ये मैं आगे के कर लेती हूँ कटिंग। अच्छा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये मेरा पूरा एक ड्रेस मटेरियल, मतलब पूरी ड्रेस मैं खुद डिज़ाइन कर रही हूँ अपने लिए, खुद स्टिच कर रही हूँ, खुद कटिंग कर रही हूँ। मैं प्रोफेशनल स्टिचिंग नहीं करती हूँ, ये बस मेरा DIY है जो देख देख के मैंने सीखा है। ऐसे बहुत से वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। इसके लिए मैंने जो फ्लेयर्ड प्लाजो बनाया है, स्कर्ट प्लाजो, उसका वीडियो भी इससे पहले मैंने अपलोड किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। और इसकी स्टिचिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए ये हो गई मेरी कुर्ती की कटिंग, कुर्ती दोनों तरीके से, दोनों आगे और पीछे का पल्ला कट के रेडी हो गया है। अब जल्दी से इसको बंद करके रखेंगे हम। देखिए ये इस टाइप से कुछ दिख रहा है ऐसे। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू सो मच मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। बाय बाय।